स्टूडेंट्स हम बात करेंगे हाइजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। हाइजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? ये हम अनसर्टेनिटी के अगर हम वर्ड देखें, कोई चीज सर्टेन ना हो, ठीक है, इतनी एक्यूरेटली नोन ना हो, तो उसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। ठीक है, हाइजनबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रिंसिपल जो है वो प्रेजेंट किया था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, और 1927 में प्रेजेंट किया था, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम ये देख लेते हैं, ये कहा जाता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के कुछ पेयर्स आ जाते हैं या कुछ हमारे पास ग्रुप्स आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं कि उनमें हमारे पास अगर उनको हम उनके पेयर्स अगर हम यहां पर फॉर एग्जांपल चले ऐसा करते हैं, पहले हम उनकी लिस्ट लिख लेते हैं यहां पर, जैसा कि पोजीशन और मोमेंटम, ठीक है, और एनर्जी और टाइम। तो ये ऐसे हमारे पास पेयर्स आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के, फिजिकल पैरामीटर्स के, जिनको हम देखते हैं कि हम इन इन पेयर्स में से कोई एक अगर हमें पैरामीटर एक्यूरेटली नोन हो जाए तो दूसरे वाले की नॉलेज हमें इतनी एक्यूरेसी से नहीं मालूम होती एट द सेम टाइम, ठीक है, यानी कि एक ही टाइम पे दोनों की मालूम आ जाए, दोनों की इन्फॉर्मेशन या दोनों की नॉलेज हमें एक्यूरेटली मालूम नहीं हो सकती। ठीक है, जिस तरह से अगर हम देखें पोजिशन की बात करें तो पोजिशन अगर हमें पता चल जाए, एग्जैक्ट पोजिशन पता चल जाए, तो हम कहते हैं कि मोमेंटम जो कि हमारे पास आ जाती है क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है ना, एक मूविंग ऑब्जेक्ट की या एक ऑब्जेक्ट की जो क्वांटिटी होती है, मोशन की जो क्वांटिटी होती है या मूवमेंट की जो क्वांटिटी होती है, उसको हम मोमेंटम कहते हैं। तो इसके अगर हम देखें तो ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होती है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये इतने हमें इतना एक्यूरेटली मालूम नहीं होगी जितनी हमें पोजीशन मालूम होगी। ठीक है, और अगर पोजीशन हमें अगर हमें मोमेंटम पता चल जाए, ठीक है, बहुत एक्यूरेसी से मोमेंटम पता चल जाए, तो उस वक्त जब ये मोमेंटम था तो उस वक्त पोजिशन क्या थी ये हमें जो है वो एग्जैक्टली मालूम नहीं हो सकती। सिमिलर केस जो है वो एनर्जी और टाइम में है कि अगर हमें एनर्जी मालूम हो जाए तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम ये डिटर्मिन कर सकें कि किस टाइम पे एग्जैक्टली क्या टाइम था जब ये एनर्जी थी, ठीक है, पर्टिकुलर एनर्जी थी, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा हम ये देखेंगे कि यहां पर हम इन जो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इसको हम अप्लाई करते हैं किस पे, ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक या सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहां पर हम बात करेंगे, हम कहेंगे ये किस पे अप्लाई होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है। और जिस तरह से माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं, इसी तरह प्रोटॉन आ गया, ठीक है, देन हमारे पास आ गया न्यूट्रॉन, ठीक है। तो हम इनकी बात अगर करें तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं और इनकी हम बात करते हैं कि इनमें अगर फॉर एग्जाम्पल हम इलेक्ट्रॉन की ही बेसिकली यहाँ पर ज्यादातर बात करेंगे तो हम ये देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हमें पता चल जाए एक्यूरेटली तो हमें मोमेंटम जो है वो इतनी एक्यूरेटली मालूम नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर इसको इस तरह से इसको डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हम लेंगे कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को डिटर्मिन करने के लिए एक्स रेज हम पास करें, ठीक है, जैसा हमने डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में भी देखा था। यहां पर हम बात करेंगे जिस तरह हमने कहा डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट की, तो उसमें हमने क्या बात की थी, हमने इलेक्ट्रॉन के बीम की बात की थी, ठीक है, यहां हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के बीम की, और इससे हमने क्या देखी थी, इसकी डायफ्रेक्शन हमने देखी थी। तो यहां पर भी हम ये देखते हैं कि एक्सरेस के थ्रू हम मालूम करते हैं पोजिशन या मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे एक्सरेस, ठीक है ना, हमने इनको इंसिडेंट करवाया और हमने पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोमेंटम हमने इंसिडेंट करवाया इनको किस पे, पार्टिकल पे या वेव पे, ठीक है, इनको हमने पार्टिकल पे चले सब एटॉमिक पार्टिकल्स उनके ऊपर हमने जो है वो इनको इंसिडेंट करवाया। तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक्सरेज जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ अगर हम यूज करते हैं, ठीक है, अगर हम लॉन्गर वेवलेंथ यूज करेंगे, यहां हम लिखेंगे लॉन्गर वेवलेंथ, तो होगा क्या कि जब ये लॉन्गर वेवलेंथ जाके हिट करेंगी सब एटॉमिक पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन को, तो देखिए इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा सा पार्टिकल है, ठीक है ना, यानी कि इसका मास बहुत कम है, और जब मास बहुत कम है तो ये हाई स्पीड से मूव करेगा, बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करेगा, ठीक है ना। और अगर लॉन्गर वेवलेंथ है जिनका मतलब होता है कि लो एनर्जी, ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे लो एनर्जी, लॉन्गर वेवलेंथ मीन्स लो एनर्जी, तो लो एनर्जी होगी तो उस सूरत में क्या होता है कि अगर जब तक इलेक्ट्रॉन को हिट करने तक वो पहुंचेगी लो एनर्जी वाली वेव्स, ठीक है, या एक्सरेज, तो हम देखते हैं कि क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन उतने में अपनी पोजीशन बदल चुका होगा, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि हमें उसका मोमेंटम तो पता चल जाएगा, ठीक है, हम उसको मोमेंटम मालूम कर सकेंगे, लेकिन हम वहां पे उसकी पोजीशन, क्योंकि वो इतनी स्पीड से मूव कर रहा होगा कि हम जो है ये नहीं मालूम कर पाएंगे कि उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, तो हमें सिर्फ उस वक्त एक्यूरेटली क्या मालूम हो सकेगा, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगर इसकी जगह हम क्या करें, हम यहां पर यूज कर लेते हैं शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है, हम यहां लिखेंगे शॉर्टर वेवलेंथ,
शॉर्टर वेवलेंथ किसकी, एक्सरेज की, ठीक है। और शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब हुआ कि हाई एनर्जी। अब हाई एनर्जी एक्सरेज अगर इलेक्ट्रॉन को या सब एटॉमिक पार्टिकल को हिट करेंगी, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल वैसे ही इतना छोटा है, वो बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं, लेकिन देखिए अगर उसको मजीद एनर्जी जाके हिट करेगी तो क्या होगा, वो एक्सलरेट कर जाएगा, यानी कि उसकी स्पीड जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जब वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी में एरर आ गया, वेलोसिटी में एरर आ गया तो हम देख रहे हैं मोमेंटम बदल गया, ठीक है। जब मोमेंटम बदल गया तो हम कहते हैं कि यहां पर हमें एकदम से जब वो जाके हिट करेगा बड़ी स्पीड में जाके, क्योंकि एनर्जी से वो जाके हिट कर रहा है, तो हमें पोजीशन तो मालूम हो गई, ठीक है, हमने पोजीशन मालूम कर ली, लेकिन अब क्या चीज मिस हो गई हमसे, अब हमसे जो है वो मोमेंटम जो है इतनी एक्यूरेटली हम कहते हैं कि मेजर नहीं हो कर पाएंगे हम, ठीक है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से अनसर्टेनिटी आ गई है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं, देखिए ये वाली चीज अगर हम बोहर के पर्सपेक्टिव से बात करें, बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग बात करें, यहां पर जिस तरह से हम डिस्कस कर लेते हैं कि बोहर ने कहा था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। फर्स्ट करें ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड और ये एक ऑर्बिट जो है वो फिक्स्ड है, तो हमारे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा कि हम इसकी मालूम कर सके कि हम इसकी पोजिशन और मोमेंटम को एट ए टाइम जो है वो मालूम कर सके, बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं क्योंकि फिक्स्ड ऑर्बिट है ना। और हमें पता है इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, हमने यहाँ पे हम इसकी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने कहा था एम बी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई, ठीक है, हमें एंगुलर मोमेंटम पता चल जाएगा। और पोजिशन हमें पता है क्योंकि हमें रेडियस भी बड़े आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ हमने डिराइव किया था, ठीक है, अगर हम इसको रिकॉल करें सारे को, तो हम ये देखते हैं कि इसकी तो पोजिशन और मोमेंटम मालूम करना बड़ा आसान है। लेकिन अगर हम देखें तो अब हम कहते हैं कि जिस तरह हमने यहाँ एक्सरे डायफ्रेक्शन और इस डेविसन एंड जर्मर के एक्सपेरिमेंट से देखा, तो हमें अंदाजा हुआ कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स बेसिकली हम कहते हैं कि उनकी एक्यूरेसी के साथ पोजीशन और मोमेंटम को मालूम करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एट द सेम टाइम। तो इस तरह से ही हमने देख लिया। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारे पास कुछ डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, जब हम अनसर्टेनिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत फेमस हम कहते हैं एक्सप्रेशन है, और हम इसकी बात करेंगे कि हम कहते हैं जो कि हमारे पास एरर आ जाता है इन पोजीशन, ठीक है, एरर इन पोजीशन, और हम साथ कहते हैं एरर इन मोमेंटम, एक्स लिखा पोजीशन के लिए और पी लिखा मोमेंटम के लिए, ठीक है, डेल एक्स लिख रहे हैं क्योंकि चेंज होगा पोजीशन, अगर चेंज हो जाएगी तो एरर आएगा हमारे पास, डिफरेंस आ जाएगा, और मोमेंटम चेंज होगा तो डिटेक्शन में हमारे लिए एरर आएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमने लिखा एरर इन पोजिशन कंबाइंस विद एरर इन पोजिशन, तो अगर इसको हम देखें इनके मल्टीप्लाई करें तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे पास यहाँ क्या आ जाता है, एच ओवर 2 पाई, ठीक है, एच ओवर 2 पाई, यानी कि हम फिर से इसको देख लेते हैं कि एरर इन पोजिशन कंबाइंस विद एरर इन मोमेंटम हमारे पास ग्रेटर देन या इक्वल टू आता है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट जो कि एच है डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है। अब एज क्या है, एज हमारे पास इसकी अगर हम वैल्यू देखें तो ये क्या होती है, ये इसकी वैल्यू बहुत छोटी वैल्यू है क्योंकि 6.626 एक्सपोनेंशियल -34, ठीक है, और ये साथ में क्या आएगा, जूल्स सेकेंड, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होती है। अब देखिए इतनी स्मॉल वैल्यू है ना, इसीलिए हम कहते हैं कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है वो किस पे वर्क करता है, वो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है, ठीक है, या हम कहते हैं सबसे जो ये हम कहते हैं यहाँ पर सबसे बेहतर काम करता है ना वो ये या अप्लाई होता है वो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे अप्लाई होता है, ठीक है, यानी कि जिस तरह हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की कह रहे हैं और हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिसाल भी देख ली है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये देख लिया। अच्छा, एनर्जी और टाइम की भी हमने बात की थी, तो यहाँ पर हम एनर्जी और टाइम के लिहाज से भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इनके एनर्जी और टाइम के लिए अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेशन देख लें तो बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा कि हम कहते हैं एरर इन एनर्जी, ठीक है, कंबाइंस विद एरर इन टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एच, यानी कि एच आगे प्लैंक्स कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ एक और चीज देखेंगे कि h ओवर 2 पाई, ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं h कट के किससे भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको h कट कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर मैं h ओवर 2 पाई की जगह क्या लिखूं, मैं यहाँ पर लिख दूं h ओवर हम डिवाइड बाय 2 पाई हटा देते हैं यहाँ से और दोनों के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, ये हमारे पास कट आ गया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना।
तो ये हमारे पास एक्सप्रेशंस आ गए जो हमने देखे कि ये किसके लिए है, अनसर्टेनिटी के लिए. हमारे पास मैथमेटिकल, फेमस मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आए हैं, ठीक है. और इनको डिराइव, इनको जो है वो प्रेजेंट किया, प्रपोज किया किसने, वर्नर हाइजनबर्ग ने प्रपोज किया था, जिसमें कहा उन्होंने ये कि कुछ फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं जिनमें हम देखते हैं कि हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाती है जब उनको एक्यूरेटली उन दोनों की, दोनों की यानी कि दोनों जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, जो पेयर में जो दोनों पार्टनर्स हैं उनकी जो, अगर हम दोनों की एट अ टाइम नॉलेज हासिल करना चाहें तो एक्यूरेटली हमें मालूम नहीं होती है. अगर एक की एक्यूरेटली नोन होगी तो दूसरे की जो है वो अनसर्टेन आ जाएगी, और इसीलिए इसको नाम दिया गया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का.